बसमीमैक्म वीअर्स होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल डिस्कस अबाउट द करेंसी इज डिशन वाई एनी कंट्रीज़ करेंसी डिवेल्यूएड और स्पेशली इन रेफरेंस टू पाकिस्तान वाई पाकिस्तानी करंसी डी वैल्यूड लेटल हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अगेंस्ट जो डॉलर की प्राइस थी उसने टच किया आलमोस्ट टू फोर्टी को तो इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं कि क्यों पाकिस्तानी रुपये ने इतना डिक्लाइन किया इतनी डी हुई इतनी पाकिस्तानी रुपये में डेप्रिसिएशन हुई इसकी क्या हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं तो इस पर हम आज डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल किसी भी करेंसी का डी वैल्यू या आप इसको कह सकते हैं कि करेंसी की जो डिमेंशिंग होती है इसकी प्राइस में डाउनफॉल जो करेंसी का आता है अगेंस्ट एनी अदर करेंसी इन वर्ल्ड स्पेशली रिलेटेड टू डॉलर क्योंकि आजकल जो पूरी वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल करेंसी है उसको डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है और डॉलर ही एज़ ए यूनिवर्सल ट्रेडर जो है से ट्रेड होती है तो स्टार्ट करते हैं जो हैं करेंसी की डिवेल्यूशन की स्पेशली पाकिस्तानी रुपीस की अगेंस्ट डॉलर फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या व्यूअर्स करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब आपकी कंट्री में इम्पोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स से एक्सीड कर जाती हैं यानी कि किसी भी मुल्क में जब इम्पोर्ट्स बाहर से चीज़ें मंगवाई जाती हैं और एक्सपोर्ट्स जो कि उसकी अपनी प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो एक्सपोर्ट्स नहीं की जाती तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है यानी डिफरेंस बिटवीन दी इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज़ कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट सो स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तान पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट जो अभी है ऑल टाइम हाई जा रहा है इसकी रीज़न्स ये हैं कि हमारी कंट्री का जो इम्पोर्ट है उस पर हमने रिलई करना शुरू कर दिया है और हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो आलमोस्ट सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट जो हैं वो इनक्रीज़ कर गई हैं गो कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं काफ़ी अर्से तक हम वीट और शुगर जो है एक्सपोर्ट करते रहें लेकिन अब हमारी कंट्री में सिचुएशन ये है कि हम वीट और शुगर गंदम और चीनी दोनों जो है हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो जब भी हम इम्पोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा दैट इज़ दें फर्स्ट रीज़न जो है करंसी डिवेल्यूशन की है नंबर सेकेंड रीज़न जो है वो आपकी इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स अगेन जब आपकी इम्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जो इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान की करेंसी में दैट इज़ सेकंड रीज़न सो इम्पोर्ट्स जब आपकी कंट्री में होंगी तो आपकी कंट्री में जो डॉलर होंगे डॉलर आपकी करंट्री से दूसरे मल्क में जाएंगे यानी कि आपके मुल्क में जो डॉलर होंगे डॉलर के रिजर्व्स होंगे वो कम होंगे क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे होंगे और आपकी जो ट्रेड है टोटली वो डिपेंड करती है डॉलर पे इंटरनेशनली तो इसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी होगा और आपकी करेंसी जो है वो डिवेल्यू भी करेगी अब देखा जाए तो पाकिस्तान इम्पोर्ट्स क्या क्या कर रहा है वीटो शुगर तो करना शुरू कर ही दिया है उसके बाद लग्जरी आइटम्स हैं जिसमें इस मोस्ट इम्पोर्टेंट मोबाइल्स आपका लग्जरी बोट्स वगैरह उसमें आपका कुकिंग ऑयल ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है और इम्पोर्ट्स में जो है आपकी कंट्री का जो डॉलर है वो यहाँ से मुल्क से बाहर चला जाता है तो ये एक और रीज़न है करेंसी की डिवेल्यूशन की नंबर थर्ड रीज़न जो है दैट इज़ इन्फ्लेशन जब आपकी कंट्री में रुपए की कदर घिरेगी टू मच चेजेस टू गुड्स होगा कमोडिटीज़ प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी तो कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा तो इन्फ्लेशन इज़ दी अनदर रीज़न ऑफ डिवेल्यूशन ऑफ मनी नंबर फोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है मनी सप्लाई सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है और ये एक इकोनॉमिक में बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन जब आपकी कंट्री में मनी सप्लाई जो है वो आप सर्कुलेट जो अपना रुपी है वो ज़्यादा करेंगे अपने रुपये को मार्केट में ज़्यादा फेंकेंगे आप जिसकी वजह से जो इफेक्ट होगा आपकी करेंसी पे होगा करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगी तो ये चौथी इम्पॉटेंट जो रीज़न है करेंसी डी की नंबर फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ अनस्टेबलिटी इन पोलिटिकल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखें किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेसिंग आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो है पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत कम देखी गई है पिछले टेन यर्स में आप बात देख लें पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की एक रीज़न है कि आपकी पॉलिस जो हैं वो स्टेबल नहीं रहती हैं जब आपकी पॉलिसी स्टेबल नहीं रहेंगी तो फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी है किसी भी पॉलिसी में उसको आप लेकर नहीं चल सकते तो ये एक मेन रीज़न होगी आपकी जो करेंसी डिवेल्यूशन की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी कंट्री में पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म नहीं बनेंगी लॉन्ग टर्म्स जो सीएन नहीं लिए जाएंगे तो फिर आपकी करेंसी में भी ये डाउनफॉल आता रहेगा नाउ क्विकली हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है सबसे पहले तो आपने जो है एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना होगा इम्पोर्ट्स को कम करना होगा अपनी कंट्री में अपनी प्रोडक्शन करनी होगी दोबारा से अपनी एग्रीकल्चर आपने पाकिस्तान में जो है व्हीट शुगर और इस तरह की दूसरी और जो पाकिस्तान की क्रॉप्स हैं कैश क्रॉप्स उनको इंक्रीज़ करना होगा उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा और उनको एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना होगा ताकि हमारे मुल्क में डॉलर आ सके सेकेंडली अननेसेसरी जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं लग्जरी आइटम्स मोबाइल्स लग्जरीज इसको जो है मिनिमाइज करना होगा ताकि करेंसी की डिवेल्यूशन से बचा जा सके और नंबर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टेबलिटी स्टेबल इन प्राइसेस प्राइसेस जो हैं कमोडिटीज़ की वो स्टेबल रहनी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इतना इंक्रीज़ नहीं लगना चाहिए जिससे इन्फ्लेशन जो है वो तो आपकी इकॉनमी में आए तो ये थी आज की रीजंस व्यूअर्स और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे तो होप्सो के ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी बहुत फ्रूटफुल होगी तो अब तक के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफमानल्ला